नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नोटबंदी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नोटबंदी को लूट कहना गलत, प्रधानमंत्री ने इसके माध्यम से बड़े बदलाव का प्रयास किया। नोटबंदी और जीएसटी के बाद मोदी सरकार बेनामी संपत्ति पर उठा सकती है अगला कदम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना को बड़ी सफलता, मसूद अजहर के भांजे समेत 3 आतंकवादी मार गिराए, 1 सैनिक शहीद। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत गर्जे, अजहर मसूद का भतीजा हो या बेटा, अब किसी भी आतंकवादी की खैर नहीं। नरेंद्र मोदी का गुजरातियों को संदेश, गुजरात में सत्ता के भूखे लोग खेल रहे हैं स्वार्थी राजनीति का खेल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शी बॉक्स का लोकार्पण। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर गुजरात के कटवाल में भीषण हादसा, 13 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल, सभी मृतक मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के निवासी। गुजरात सरकार की सुरक्षा पेशकश पर हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर पूछा, देवद्रोही को सुरक्षा क्यों? प्रदूषण और धुंध के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से कहा, कुछ दिन बंद रखो स्कूल। पंजाब में फिरोजपुर जिले के कारीकला गांव में कोहरे के कारण बस और ट्रक की टक्कर, 6 लोगों की मौत। बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे इस्लामी शोधार्थी तारिक रमदान के कार्टून पर फ्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।